channel. So in today's video, I will be making chole masala or chana masala, whatever you might like to call it, for lunch. And मैं वही process आपके साथ share करूँगी. बहुत simple तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ. बहुत ज़्यादा complicated process में नहीं जाने वाले हैं, बहुत easy process में बनाने वाले हैं. So मैं वही आपके साथ share करूँगी. And उसके साथ मैं बनाने जा रही हूँ रायता. Somehow the रायता that I make turns out to be so yummy each time. So I thought why not share that recipe with you also. So come with me and let's get started. So to start with, हमने बहुत ही simple चीज़ें ले ली हैं यहाँ पे. One onion finely chopped. यहाँ पे दो टमाटर का मैंने बना लिया है ब्लेंडर में. एंड यहाँ पे जिंजर गार्लिक एंड चिलीज का मैं पेस्ट बना के रख देती हूँ फ्रीजर में. तो गाइस, मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है एंड कुकर में हम ऐड कर देंगे तेल. एंड तेल के गर्म होते ही उसमें ऐड कर देंगे होल क्यूमिन सीड्स. एंड जब ये सीड्स क्रैकल होने लगे तब हम इसमें डाल देंगे हमारा चॉप किया हुआ अनियन. एंड अनियन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता, जब तक थोड़ा सा इसका कलर चेंज होके इसका रॉ स्मेल चला नहीं जाता. एंड वंस दैट गोज अवे द रॉ स्मेल, हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक एंड चिलीज का पेस्ट, डेढ़ चम्मच ऑफ दैट. एंड फिर हम डालेंगे इसमें हमारे दो टमाटर का पेस्ट जो पहले ही हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करके रखा था. अच्छे से मिक्स कर देंगे, टोमेटोज़ के रॉ स्मेल को भी जाने देंगे. एंड पाउडर मसाला ऐड करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर. उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें जीरा पाउडर, थोड़ा सा, आधा चम्मच ही मैंने लिया था. एंड वो मिक्स करने के बाद अच्छा कलर इसमें लाने के लिए हम ऐड कर रहे हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर. एंड मेरे पास बादशाह का चना मसाला है तो मैं वो ऐड कर रही हूँ. आपके पास जो भी छोले मसाला, चना मसाला जो भी है, आप वो ऐड कीजिएगा. डेढ़ चम्मच मैंने छोले मसाले का ले लिया है. एंड अच्छे से उसको फ्राई करने के बाद जो हमारे पास ओवरनाइट सोक्ड चिकपीज छोले थे उसको मैंने कुकर में डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है. एंड स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल देंगे. एंड नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर एंड अ पिंच ऑफ हींग फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर. ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने प्रेशर कुकर में 10 मिनट इसको प्रेशर कुक कर लिया था. एंड थोड़ा सा मैंने ग्रेवी ज़्यादा रखा था बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव इट विथ राइस. अगर आप रोटी के साथ ले रहे हैं तो कम पानी ऐड कीजिएगा. नाउ कमिंग टू द रायता, मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर डाल दिया है. एंड अभी डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट. ब्लैक सॉल्ट रायता में बहुत अच्छा लगता है. फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा शुगर. एंड वो डालने के बाद यहाँ पे क्यूकम्बर मैंने ऐड किया है. आधा क्यूकम्बर मैंने चॉप कर लिया था फाइनली एंड वो ऐड कर दिया है. एंड अभी थोड़ा सा टैंगीनेस एंड एक्स्ट्रा यू नो चटपटा बनाने के लिए ऊपर से मैं ऐड कर दूँगी चाट मसाला. एंड विद दैट माई लंच इज़ एब्सोल्यूटली रेडी. प्लेट में मैंने सर्व कर लिया है छोले, राइस एंड रायता. सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट गो विदाउट लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.